नमस्कार जी, जे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में हम इसकी थर्ड यूनिट में समस्या समाधान की संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समस्या समाधान की क्या संकल्पना है? समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना एवं समाधान की खोज करना शामिल है, ठीक है। बैरोन के अनुसार समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है जिसमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी ऐसे लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करना इंसान का उद्देश्य होता है, उनको प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रियाएं की जाती हैं या जो क्रियाएं की जाती हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, वो समस्या समाधान कहलाता है, ठीक है। विटिंग और विलियम्स थर्ड के अनुसार समस्या समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करना तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना, ठीक है। यहाँ पर परिभाषाएं इसकी कंप्लीट हो गई हैं। मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान के तीन महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं। पहला है मौलिक अवस्था, यानी जो वर्तमान अवस्था होती है, जैसी परिस्थिति उस समय की होती है जो वर्तमान समय में चल रही होती है, ठीक है। लक्ष्य अवस्था, जो लक्ष्य या भेद समस्या के समाधान के लिए निर्धारित किया जाता है वो लक्ष्य अवस्था कहलाती है, यानी उसका एक निश्चित गोल होता है। मौलिक अवस्था में कोई निश्चित गोल या लक्ष्य नहीं होता है, वो ऐसी समस्याएं होती हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में चलती रहती हैं। लक्ष्य अवस्था, एक व्यक्ति अपने एक लक्ष्य टारगेट बना लेता है या टास्क बना लेता है जिसको पूरा करना समस्या समाधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने नीट, जी मेन आदि के जो एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम जो है वो क्लियर करने का एक अपना गोल बना लिया हो, या जो यूजीसी नेट का ही क्लियर करने का गोल अगर किसी ने बना लिया है और उसको पूरा करने के लिए वो जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है, तो वो लक्ष्य अवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा है नियम अवस्था, किसी भी चीज़ के लिए नियम बना लेना, ठीक है, तो वो नियम अवस्था के अंतर्गत आता है। समस्या समाधान के लिए कुछ रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। समस्यात्मक परिस्थिति क्या है? समस्यात्मक स्थिति वह है जिसमें प्राणी को विभिन्न प्रकार के उद्दीपक संकेत प्राप्त होते हैं। परंतु वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने पर भी अपने लक्ष्य की ओर प्रगति नहीं कर पाता है। जॉनसन के अनुसार समस्या समाधान व्यवहार के अनेक लक्षण हैं। प्राणी के व्यवहार में लक्ष्य उन्मुखता पाई जाती है। लक्ष्य उन्मुखता मतलब लक्ष्य के प्रति उन्मुख होना या अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना, ठीक है। प्राणी के व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है, यानी वो सतत या कंटिन्यूसली किसी व्यवहार को करता रहता है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। प्राणी एक ही समस्या के समाधान के लिए एक ही नहीं वरन अनेक अनुक्रियाएं करता है, यानी बहुत सारे स्टेप्स उसको फॉलो करने होते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्टेप उसको फॉलो करने से अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा, बहुत सारे समाधान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। समस्या के लिए किए गए एक अनुक्रिया के असफल हो जाने पर प्राणी दूसरी अनुक्रिया करता है, ठीक है। यानी एक में अगर वो सफल हो जाता है तो उसको दूसरे स्टेप से, उस दूसरी अनुक्रिया से उसको करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड्रस के अनुसार किसी भी समस्यात्मक स्थिति के 6 घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला क्या है, प्राणी के सामने एक या एक से अधिक लक्ष्य होते हैं, ठीक है। टास्क जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। प्राणी को विभिन्न प्रकार के उद्दीपक संकेत प्राप्त होते हैं। उद्दीपक संकेत मतलब अपनी समस्या से संबंधित जो संकेत होते हैं, जो साइंस होते हैं वो उसको मिलते हैं। वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है। समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्येक संकेत उस परिस्थिति के घटित होने वाली अनेक अनुक्रियाओं के साथ पूर्वानुभव के कारण अलग अलग प्रबलता के साथ अनुबंधित होता है, यानी एक अनुबंधन या बाउंडेशन उसके अंदर हो जाती है अपनी परिस्थिति से रिलेटेड, ठीक है। प्राणी को शुद्ध या अशुद्ध अनुक्रिया के बीच ज्ञान प्राप्त होता रहता है। कौन सा स्टेप उसने गलत किया, कौन सा स्टेप सही किया, इसके बारे में उसको
पता चलता रहता है जब वो किसी काम को करने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं मुझे इसको आगे बढ़ाना है ना, ये चीजें व्यक्ति सोचता रहता है। परिणाम की जानकारी कराकर हम सही ढंग से प्रतिपूर्ति प्रदान कर सकते हैं, यानी फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं व्यक्ति को, उसके लक्ष्य का जो रिजल्ट है उसके बारे में यदि हम बताएं तो उसको हम ठीक ढंग से उसकी फीडबैक के कारण हम जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की अवस्थाएं क्या क्या हैं? पहली अवस्था है तैयारी की अवस्था। तैयारी में क्या होता है? समस्या का तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण मतलब समस्या को जानना। ठीक है, नेक्स्ट है समस्या समाधान कसौटी का तादात्म्यकरण, यानी समाधान किस कसौटी पर मिलेगा, यानी किस परिणाम पर हमें समाधान प्राप्त होगा, इस चीज को जानना। ठीक है, समाधान के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। समाधान प्रयासों पर आरोपित प्रतिबंधों का निर्धारण, जो भी प्रतिबंध हैं उनका निर्धारण करना कि ये रुकावटें हमारे समस्या समाधान के प्रयासों को, समस्या समाधान के प्रयासों पर आरोपित प्रतिबंधों का निर्धारण क्या है कि कौन कौन से बाधाएं जो हैं हमारी समस्या के बीच में आ सकती हैं, उनका निर्धारण करना कि ये स्टेप्स जो हैं फॉलो करने पर हमें ये फाउंडेशन हमारे सामने आ सकती हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या की तुलना करना, जो पिछले एक्सपीरियंस हैं उसके आधार पर समस्या को देखना कि समस्या पहले से बड़ी है, पहले के समान है या पहले से छोटी है। ठीक है, परिणामतः समस्या में प्रतिनिधि की रचना करना कि किस प्रकार से उसको किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इसका विकल्प। सेकेंड स्टेप है विकल्प, मतलब हर चीज का एक ऑप्शन ढूंढना कि यदि तैयारी के बाद भी हमें हमारी समस्या का हल ढूंढने के लिए इस चीज से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा तो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है या दूसरा विकल्प इस चीज के लिए क्या है। उत्पादन क्रियाएं समस्या को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज या एक्ट करने होंगे, ये चीज देखना। निर्णय लेना कि ये सही है या ये गलत है, इस चीज का निर्णय लेना। उद्भेदन मतलब जो समस्या का समाधान है उसकी प्राप्ति के का लक्ष्य। ठीक है, समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक या अवरोध क्या क्या हैं, जो कारक प्रभावित करते हैं यानी जिसके कारण समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला है कार्यात्मक सरलता, यदि काम सरल होगा तो समस्या का समाधान होने में जो है आसानी होगी और काम कठिन होगा तो वो उसके लिए बाधक बनेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, प्रशिक्षित व्यक्ति जो है वो एक समस्या को अच्छे से समझ सकता है, उसको किस प्रकार से उसे हल करना है इसके बारे में उसको नॉलेज होती है, या प्रशिक्षण की कमी में के कारण जो है समस्या का समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अप्रशिक्षित लोग समस्याओं का समाधान कर लेते हैं लेकिन हो सकता है उसमें समय ज़्यादा लगे या उनकी जो लेबर है या एक्टिविटीज़ जो हैं या कार्य करने का तरीका जो है वो अलग हो या गलत हो या फिर उसमें बहुत सारी कमियाँ हों। ठीक है, समस्या का स्वरूप क्या है, समस्या का स्वरूप देखना, समस्या का स्वरूप क्या है इस चीज का निर्धारण करना कि समस्या का स्वरूप कैसा है। ठीक है, मानसिक वृत्ति क्या है, समस्या के प्रति व्यक्ति की क्या वृत्ति है कि समस्या कठिन तो नहीं है, सरल तो नहीं है, ये जो उसकी मानसिक मनोवृत्ति है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यदि इंसान समस्या को समाधान करने से पहले ही डरने लगेगा तो वो समस्या का समाधान ठीक से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए समस्या के प्रति इंसान की जो है पॉजिटिव मानसिक वृत्ति होना जरूरी है, सकारात्मक सोच होना जरूरी है। दुश्चिंता अवधान विस्तार, जो दुश्चिंता है या चिंताएं हैं वो ध्यान का विस्तार करने में मतलब कमी रखती हैं या नकारात्मक होती हैं। ठीक है, दुश्चिंता जो होती है हमारे ध्यान को कंसंट्रेशन को बढ़ावा नहीं देती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक गहन चिंतन, या इसको कह सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, इसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। ठीक है, कौन से ढंग से परिभाषित किया है,
देखिए कागन और हेमन ने क्या कहा है, चिंतन की सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई कॉन्सेप्ट है या कोई साइन है या कोई स्ट्रक्चर है किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, इनके बीच में जो यूनिट्स तैयार होती हैं उनमें जो मानसिक जोड़ तोड़ किया जाता है, उनसे जो एक तरीका बनाया जाता है वो गहन चिंतन होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये सही है या ये काम गलत है। ये सारी सोच जो होती है उसको मानसिक समालोचनात्मक चिंतन के नाम से या गहन चिंतन के नाम से जानते हैं। सिल्वरमैन ने एक परिभाषा दी है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ठीक है, यानी उद्दीपन तथा घटनाओं, उद्दीपन क्या है, जिस चीज के द्वारा, जिन घटनाओं या प्रतीकात्मक चित्रणों का समस्या का समाधान करने में सहायता होती है, जो चीज, जो वस्तुएं और जो समय या जो स्थितियां समस्या के समाधान में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं, उसके लिए जो चिंतन किया जाता है वो गहन चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन होता है। चिंतन के प्रकार बताए गए हैं, स्वली चिंतन यानी अपने आप से जो चिंतन किया जाता है, ठीक है, और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन जो वास्तविक चिंतन होता है उसमें अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, दो प्रकार का होता है अभिसारी और अपसारी चिंतन। तो एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन क्या होता है, वस्तु के प्रति सकारात्मक सोच रखना या सकारात्मक चिंतन जो होता है, ठीक है, वो अभिसारी चिंतन होता है। सृजनात्मक चिंतन ऐसे चिंतन को कहते हैं जिसमें किसी चीज का निर्माण किया जाता है या रचना की जाती है, ऐसी सोच बनाना कि हम इस चीज का चिंतन, हम इस चीज की रचना इस तरह से करेंगे। अगर हमें कोई मिट्टी का पुतला बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी लानी पड़ेगी, मिट्टी को जो पेस्ट बनाना है उसके लिए पानी का या कोई ग्लू या आदि का यूज करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या मिश्रण तैयार करने के लिए क्या क्या कंटेंट मिलाना है, ये सारा देखना जो है ये सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, जो अभिसारी चिंतन है और जो सृजनात्मक चिंतन है, उन दोनों चिंतनों के बाद आलोचनात्मक चिंतन की स्थिति बनती है कि यदि हम ये काम करेंगे तो इसमें क्या क्या फायदा है, इससे क्या क्या हानि है, इस काम करने में ये काम करने की परिस्थिति ये ठीक है या नहीं है, यह काम ठीक ढंग से होगा या नहीं, काम में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, ये सारी जो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत बातें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गहन चिंतन के साधन क्या क्या है। पहला है प्रतिमा, प्रतिमा मतलब एक मूर्त कॉन्सेप्ट तैयार करना, ठीक है। उसके बाद है भाषा, चिंतन के लिए भाषा जरूरी है, जब तक हम भाषा को नहीं समझते हैं तब तक तक हम सोच नहीं सकते हैं किसी चीज के बारे में, है ना, तो सोचने के लिए भाषा की जरूरत होती है, एक निश्चित आकृति की जरूरत होती है, एक आकार की, है ना। जब हम सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हम उस व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में होती है। किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल देखा और आप सोच रहे हैं कि वो आपके डाइनिंग हॉल में पड़ी हुई है, तो उसके लिए जो आप कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे दिमाग में, एक इमेज तैयार करेंगे, वो डाइनिंग हॉल में और डाइनिंग टेबल पड़ी हुई जो पिक्चर है वो तैयार करेंगे, ठीक है ना। भाषा का प्रयोग यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि आपने डाइनिंग शब्द का यूज किया, यानी वो आपके डाइनिंग हॉल में पड़ी हुई है, तो वो भाषा को बताती है। संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट उन चीजों को बताता है जिससे वो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, या जो उस प्रतिमा के बारे में या जो भाषा के बारे में एक निश्चित शब्द, वो सॉरी सार्थक प्रत्यय तैयार करती हैं, यानी एक सार्थक तथ्य देती हैं या एक सार्थक घटना बनाती हैं, वो कॉन्सेप्ट कहलाती हैं। विज्ञप्ति क्या है, विज्ञप्ति किसी भी चीज के बारे में, विज्ञप्ति जो है वो ज्ञापन करना या जानना होता है, ठीक है, उस चीज को जानने का जो तरीका है वो विज्ञप्ति के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर हमारा गहन चिंतन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारी नेट एजुकेशन की यूनिट 3.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।